न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जिनके टिकट काटे गए उनका कैसे होगा पुनर्वास, भाजपा की सत्ता की एक्सपायरी डेट 4 जून, देशमुख। राव साहब दानवे लगाएंगे सिक्सर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिनके टिकट काटे गए उनका कैसे होगा पुनर्वास, भाजपा और शिंदे गुट ने 12 लोकसभा चुनाव में मौजूदा में अब दोनों दलों के लिए बड़ा मसला यह होगा कि इन सांसदों का राजनीतिक तौर पर कैसे पुनर्वास किया जाए। जिन्हें मौका नहीं दिया गया उनकी संख्या बड़ी होने और पुनर्वसन की सीमित संभावना के चलते कुछ लोगों को घर पर ही आराम करना होगा। विधान परिषद के 11 सदस्यों का चुनाव जून में होगा। इन सदस्यों का चयन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाना है। टिकट से वंचित सांसदों में से कुछ को विधान परिषद में भेजा जा सकता है। हालांकि यह एक तरह से डिमोशन होगा। क्या यह मौजूदा सांसदों को स्वीकार्य होगा? वे कह सकते हैं कि यह सम्मानजनक पुनर्वास नहीं है। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा की सत्ता की एक्सपायरी डेट 4 जून, देशमुख। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि भले ही भाजपा ने फर्जी मामले दर्ज कर और CBI, ED जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर सत्ता हासिल की हो, लेकिन यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजों से यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। वह 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार शशिकांत शिंदे के प्रचार के लिए ढेबेवाड़ी में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। अनिल देशमुख ने कहा, यह चुनाव आम लोगों के भविष्य और देश में सत्तावादी प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए बहुत अहम है। पिछले 2.5 वर्षों से राज्य सरकार सिर्फ फूट की राजनीति कर रही है, महाराष्ट्र के साथ साथ देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। CBI का डर दिखाकर विधायकों को भगाया है। सरकार आम जनता की नहीं, तानाशाही की है। इस मौके पर शशिकांत शिंदे ने कहा, उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे मामले में मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन मैं डरने वाला कार्यकर्ता नहीं बल्कि संघर्ष करने वाला हूँ। आप सबको पता है कि जब मैं मैदान में उतरता हूँ तो क्या होता है। देश में तानाशाही शुरू है। भाजपा की योजना पार्टी में फूट की राजनीति कर देश में अस्थिरता पैदा कर सत्ता पर कब्जा करने की है। इस अवसर पर विक्रम सिंह पटनाकर ने नितिन बाणूगड़े पाटिल, हर्षद कदम, सत्यजीत सिंह पाटिल बांध प्रभावित नेता दिलीप पाटिल ने भी भाषण दिए। सचिन जाधव ने प्रस्तावना रखी। संजय लोहार ने सूत्र संचालन किया। अभिजीत पाटिल ने आभार माना। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। राव साहब दानवे लगाएंगे सिक्सर। लगातार 5 लोकसभा चुनाव में जालना में भाजपा का कमल खिलाने वाले राव साहब दानवे इस बार चुनावी मैदान में छक्का जड़ने उतरे हैं। वही महाविकास अघाड़ी की ताकत के साथ कांग्रेस का हाथ थामकर डॉक्टर कल्याण काले जोर लगा रहे हैं। जालना में मुकाबला भले ही महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच हो, लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रभाकर बकले तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनावी लड़ाई को चतुरंगी बना दिया है। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।